अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर उकसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम होम्योपैथिक की एक नई मेडिसिन ब्रायोनिया पर बात करेंगे। तो ये बहुत ही ख़ास मेडिसिन है, इसके बारे में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारी मालूमात हासिल हो सके। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अलामात के बारे में, इसकी अलामात क्या होती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने किस पोटेंसी में यूज़ करनी है। फिर बताऊंगी कि इसकी हेल्पर मेडिसिन कौन सी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्लांट किंगडम है, पौधे से तैयार की गई मेडिसिन है। तो इसकी अलामात कुछ ऐसी हैं कि इसका पेशेंट बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। आप उससे बात करेंगे तो वो हर बात का उल्ट जवाब देगा और फ़ौरन से रिप्लाई देगा और गुस्से में रिप्लाई देगा। म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है और इसमें यह है कि म्यूकस खुश्क हो जाता है, ड्राई होता है, आपका गला खुश्क हो जाएगा, आपको गले से बलगम निकालने के लिए बार बार करना पड़ता है, आप खराश करते हैं और जब खराश करते हैं, ज़ोर लगाते हैं तो थोड़ा सा म्यूकस जो है ना वो बाहर आता है। इसमें ड्राई कफ होती है, खांसी खुश्क होती है और इसकी सबसे मेन प्रॉब्लम जो अलामत है वो ये है कि हरकत से इसकी तकलीफ़ में इजाफा होता है और आराम करने से तकलीफ़ में आराम आता है। यानी कि आप चल रहे हैं, आपके पैरों में दर्द है, आप चलते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, आप बैठते हैं रिलैक्स करते हैं तो आपका दर्द कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये राइट साइड रेमेडी है, ये आपके दाएं तरफ के ऑर्गन्स पर बहुत अच्छा काम करती है। सर दर्द की कंडीशन में जब आपको शदीद सर दर्द होता है तो भी इसका सर दर्द ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई अंदर बैठकर सर को बाहर की तरफ मार रहा हो, ज़रब लगा रहा हो, चोट लगा रहा हो, इस तरह शदीद इसका सर दर्द होता है। और अक्सर औकात सर दर्द की कंडीशन में या बुखार की कंडीशन में इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में वो अपने घर, इसकी एक ख़ास सिम्टम ये है कि जब बेहोशी की हालत में होता है तो पेशेंट अपने घर को जाने की कोशिश करता है। वो जहाँ भी हो वो यही कहता है कि मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे मेरे घर ले जाओ। यानी कि अगर वो हॉस्पिटल में आपने उसको ले गए हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो वो वहाँ जाकर भी उसको सुकून नहीं आएगा, वो कहेगा कि मुझे घर लेके जाएं। अगर वो कहीं बाहर है तो कहेगा मुझे घर लेके जाएं, यानी कि वो घर आना चाहता है। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात उसको ये होती है कि वो बेहोशी में भी अपने काम की बातें करता है। जैसे कि अगर कोई मेल है तो उसने कोई कोई काम करता है, कोई जॉब करता है तो वो उसके मतलब बात करता रहेगा, मेरा इतना काम रह गया है, मैंने ये काम करना है, मेरा भी ये प्रोजेक्ट पूरा करने वाला था, मैंने इसको पूरा करना है। यानी कि इस तरह की कंडीशंस होती हैं। फिर इसकी आंखों को ले लें तो आंखों में शदीद दर्द होता है। जब भी पेशेंट दर्द इतना शदीद होता है कि पेशेंट अपनी आँखें बंद रखने की कोशिश करता है, जैसे ही आँखें खोलता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और साथ मतली की भी शिकायत होने लगती है। फिर आप ले लें इसके नाक की प्रॉब्लम्स को, तो नाक में जो टिप ऑफ द नोज़ होती है, ये टिप होती है इसके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे ऊपर जो है ना ज़ख़म बन जाता है और वो इतना शदीद दर्द करता है, पेनफुल होता है, अल्सर की शिकायत होती है उसमें, इतना पेनफुल होता है कि ऊपर से सुर्ख फील होता है और दर्द भी शदीद होता है। एक सिम्टम इसकी ये भी है। दूसरा नाक की सिम्टम में एक और भी इसकी सिम्टम बहुत ख़ास है कि नकसीर आती है, नाक से खून आता है, नाक से खून आता है और ये खून जब सर में दर्द हो रहा होता है तो जब नकसीर अगर आ जाती है तो सर का दर्द कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में सर का दर्द कम हो जाता है। और नकसीर एक और कंडीशन में भी आती है, वो आगे मैं आगे आपको बताऊंगी। और इसमें अमूमन ये होता है कि मुंह खुश्क रहता है, ज़ुबान अगर पेशेंट की ज़ुबान को मुँह उसको कहें कि मुँह खोलो तो उसकी ज़ुबान के ऊपर वाइट सी एक तह बनी होती है, होंठ भी खुश्क रहते हैं और ड्राई होते हैं। और अक्सर औकात जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके होंठ के अंदर वाली साइड अगर वो शिकायत करते हैं कि हमारे अंदर वाली साइड जो है वो ज़ख्मी है और उसमें जलन की कैफियत है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर ब्रायोनिया आप पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा अक्सर औकात ये होता है कि मुँह पक जाता है और ये जो मुँह के साइड वाली जगह होती है उसमें एक कट लगा हुआ नज़र आता है और उसमें ब्लड सा फील होता है, ये भी एक इसकी बहुत अच्छी सिम्टम है। अगर कोई ऐसी सिम्टम देखने में आए तो भी आप ब्रायोनिया दें, बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा
इसके इस पेशेंट को स्टमक की अगर प्रॉब्लम है तो स्टमक की में क्या होगा कि उसका मैदा ख़राब हुआ, उसने डाइट ली, वो हज़म नहीं हुई, उसको फ़ौरन से वॉमिट हो गया, लेकिन वॉमिटिंग के दौरान वो खाली उसका जो पानी सा होगा वो उसके मुंह से बाहर आएगा, उसको वॉमिटिंग की शिकायत होगी लेकिन थोड़ा सा पानी उसके मुंह से बाहर आ जाएगा, और इसके अलावा खट्टी डकारें आएंगी। अब क्या है कि पेशेंट फील करेगा कि उसका स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जकड़न है और दर्द है, शदीद दर्द है, सख्त है, तो वो ज़ोर लगाएगा, उसको डकार आएंगे, खट्टी डकारें आएंगी। तो जैसे ही पेशेंट को खट्टी डकार आती है उसको रिलीफ फील होता है। एक इसकी सिम्टम ये भी है, अगर कोई ऐसी सिम्टम सामने आए तो भी ब्रायोनिया इस ऐसे पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए, अगर कब्ज़ की कंडीशन होती है, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होती है, तो भी ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। अब इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको स्टूल बहुत ही सख्त पास होता है, वो बहुत ज़ोर लगाता है, बहुत सख्त होता है, और ये काफ़ी स्टूल काफ़ी लंबा और सख्त किस्म का होता है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि स्टूल पास करते हुए, ज़ोर लगाते हुए ब्लड भी बाहर आ जाता है, और स्टूल की रंगत भी जो है वो गला हुआ ब्राउन कलर का, जैसे कोई ख़राब सड़ी हुई चीज़ होती है, इस तरह का उसका स्टूल पास करता है पेशेंट। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि ये राइट साइड पे बहुत अच्छा वर्क करती है, राइट ऑर्गन पे, तो ये लीवर में अगर दर्द है आपको, राइट साइड पे लीवर में आपको दर्द फील होता है, आप कहते हैं कि मेरे इधर राइट साइड पे दर्द हो रहा है, जकड़न है, तो भी आप राइट साइड लीवर पे ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप उसको ब्रायोनिया दें तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरह मेंसेस सर्कल में, मेंसेस सर्कल में ये औरतों में मेंसेस सर्कल में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेंसेस इस तरह हों कि बार बार मेंसेस आएँ और जल्द जल्द मेंसेस आएँ, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो और आप बैठ जाएँ तो ब्लीडिंग कम हो जाए, और आप जैसे ही थोड़े चंद कदम चलते हैं तो ब्लीडिंग शदीद हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, और शदीद दर्द के साथ मेंसेस हों तो ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा ये कि अक्सर औकात पे ऐसा होता है कि मेंसेस के दौरान औरतों को नकसीर की शिकायत हो जाती है, या मेंसेस स्टार्ट होने से पहले ही नकसीर की शिकायत हो जाती है, मेंसेस के दौरान भी नकसीर की शिकायत हो जाती है, तो भी अगर ऐसी कंडीशन नज़र आए तो आप उसको ब्रायोनिया दें तो ये ब्रायोनिया ऐसे पेशेंट पर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसी तरह ब्रेस्ट पे लेडीज़ में अक्सर ये होता है कि उनको मेंसेस सर्कल शुरू होने से पहले ब्रेस्ट में अकड़ाव फील होता है, सख्त फील करती हैं, और उसके निपल में बहुत सख्त शदीद दर्द होता है, रेड होती है, रेडनेस होती है, तो भी अगर कोई ऐसी कंडीशन सामने आती है तो आप उसको ब्रायोनिया दें तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। इसके अलावा सांस की नाली में, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ड्राई कफ इसमें बहुत होता है, तो जब पेशेंट सांस लेता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसका गला जो वो अंदर से छिल गया हुआ है, उसका जो ट्रैकिया है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, तो वो कोई चीज़ इनहेल करता है या सांस लेता है तो उसको तकलीफ़ फील होती है, उसे ऐसे लगता है कि कोई चीज़ काट के उसको अंदर वो जा रही है और उसको तकलीफ़ फील होती है। अब बात करते हैं इसके जोड़ों के दर्द की, यानी कि गाउट की प्रॉब्लम में कोई किसी भी जोड़ में दर्द है या बॉडी के किसी भी हिस्से में जहाँ पे भी इसको दर्द फील होगा तो वहाँ दर्द के साथ अकड़न होगी, जकड़ाव सा फील करेगा पेशेंट, वो मसल उसके जो अकड़े हुए उसको फील होंगे, और सूजन भी साथ सूजन की भी शिकायत होगी, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रायोनिया बहुत ही अच्छा काम करती है। अब सर्दियों के मौसम के बाद जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो आप सर्दी से गर्मी में आते हैं, तो जब गर्म हवाएं चलती हैं तो इसकी अलामत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें ड्राई कफ का आना, बुखार का ज़्यादा आना, इस तरह की ये जो कंडीशंस मैंने आपको सारी बताई हैं तो वो सारी कंडीशंस जो हैं पेशेंट पे तमाम अलामत ज़ाहिर होने लग जाती हैं, तो ऐसी तमाम कंडीशन में जो है पेशेंट को ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है ऐसी कंडीशंस पर। इसके अलावा जब बुखार होता है तो पेशेंट का दिल घबराता है, पसीना आता है, जब उसको पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें से खट्टी बू आती है, इसकी एक ये भी मेन सिम्टम है कि उसके पसीने में से खट्टी बू आती है, खटास की बू आती है। तो अब बात करते हैं पोटेंसी पे, तो ये पहले भी जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसको आपने सुबह दोपहर शाम 30 CH में 5-5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे लेने हैं,
तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आपको जितने भी मैंने सिम्टम्स बताएं, अगर कोई ऐसी कंडीशन आपको नज़र आती है तो आप उस पर ब्रायोनी अप्लाई करें, बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी, बहुत ही अच्छा काम करती है। इससे पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक मैं हेल्पर मेडिसिन बताऊंगी इसके साथ, जो इसके साथ हो तो बहुत ही अच्छा काम करती है, तो वो है रिस्टॉक्स। रिस्टॉक्स क्या है, वो भी एक राइट्स, वो भी इसी तरह से काम करती है। वो भी अगर आप उसके दर्द भी इस तरह होते हैं कि आप आराम की हालत में हों तो दर्द में अफाका रहता है, अगर आप चलते फिरते हैं तो दर्द बढ़ जाते हैं, तो ये दोनों मेडिसन एक दूसरे की हेल्पर मेडिसन है, ब्रायोनिया और रोस्टॉक्स। अगर इसको दोनों को मिला के आप देते हैं सुबह दोपहर शाम 30 CH में, 5-5 कतरे डायरेक्ट टंग पे लें, तो ये तमाम कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, तमाम सिम्टम बताए हैं, उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन में के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।